तो भाई लॉजिक गेट्स पर आएंगे अब थोड़ा सा, लॉजिक गेट्स के लॉजिक को देखेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। देखिए, दो तरह के सिग्नल होते हैं। एक सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल क्या होता है? जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करे, इसे क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल, है ना। और कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो स्टेप फंक्शन होते हैं, या तो वो होंगे या नहीं होंगे, या तो वो होंगे या नहीं होंगे, या तो उनकी वैल्यू कुछ होगी या फिर वैल्यू नहीं होगी। ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं? डिजिटल। डिजिटल कहते हैं ना, हाँ डिजिटल हो गए। अब इसमें क्या है कि या तो उस मान लो अगर करंट है या वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है और फिर वोल्टेज गायब है, फिर वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है फिर वोल्टेज गायब है। तो ऐसी चीज़ में होने को कहते हैं वन और ना होने को कहते हैं जीरो। सिग्नल का होना है या नहीं होना है। तो यहाँ पर दो डिजिट में सारी बातें चलेंगी। वन का मतलब होना और जीरो का मतलब नहीं होना। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है कि भाई साहब, जैसे मान लो क्या करा जाए कि अगर मान लीजिए जीरो और वन में चलेंगी सारी कहानी, तो अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी देख लो। तो जीरो प्लस वन को क्या लिखेंगे? वन। और जीरो प्लस जीरो को क्या लिखेंगे? जीरो। और वन प्लस वन को क्या लिखोगे? इसको भी वन ही लिखते हैं। वन का मतलब यस, प्लस यस मतलब यस, नो प्लस नो मतलब नो, नो प्लस यस मतलब यस। इसी तरह से थोड़ा प्रोडक्ट में भी देख लो। तो जीरो इंटू वन को क्या लिखोगे? जीरो। जीरो इंटू जीरो को क्या लिखोगे? जीरो। और वन इंटू वन को क्या लिखोगे? वन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बहुत बेसिक बेसिक से बातें चलेंगी। अब इसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं, कुछ सर्किट्स जिनसे आउटपुट स्पेसिफिक मिलता है हमको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमने गेट्स डिफाइन किए हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, है ना। तो अभी जैसे मान लो हम बात करेंगे और गेट की। कौन सा गेट है ये? और गेट मतलब, हाँ जी, और गेट का देखो सिंबल देख लो। सबसे पहले और गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का। तो यहाँ से आप दो इनपुट दोगे, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका मिलेगा आउटपुट। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब याद रखना होता है प्लस। और का मतलब क्या है? प्लस। आप ये बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से चल रहा है अभी अपन, पहले थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे फिर इसको और समझेंगे। अभी आपने कहा यहाँ पर एक इनपुट ए दिया, एक इनपुट बी दिया, तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। कौन सी टेबल है ये? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, इनपुट लिख लेते हैं, जैसे एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, और फिर इसका और कर देते हैं। तो ए प्लस बी मतलब ये और गेट बन कहलाएगा। अभी इसमें क्या है, इनपुट क्या क्या दे सकते हो भाई? जीरो जीरो दे सकते हो, और क्या दे सकते हो? जीरो वन दे सकते हो, वन जीरो दे सकते हो, और वन वन दे सकते हो। सही बात है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी आएगा, वन वन दे सकते हो। तो अभी जरा इनका रिजल्ट बताओ क्या आएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा आपका जीरो, ये क्या आ जाएगा? वन 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 वन। मतलब क्या हुआ? आए, जब दोनों नो कर देंगे तब मामला नो होएगा, और एक ने भी यस कर दिया तो यस हो जाएगा। यार कमाल ही हो गए। तो अब देखना इसको कैसे, देखना ध्यान से देखना इस बात को। आप थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अब समझ तो रहे हैं बात को। देखना, अभी मैं एक सर्किट बना रहा हूँ इसके, इस ये तो सब सिम्बॉलिक बातें चल रही। अब इसको थोड़ा रियल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करके, मैंने यहाँ पर एक, ये ऐसे करके एक दो स्विच लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर लगाई बैटरी और यहाँ पर लगाया एक बल्ब। ठीक है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, बनाओ इसको। ठीक है भाई, तो अभी देखो ध्यान से देखना। अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा एक स्विच है मेरा ये S1 और एक स्विच है मेरा S2, और ये लगा हुआ है क्या? बल्ब। समझ रहे हो बात को? तो अभी देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं हल्का फुल्का।
अगर मान लो आपने दोनों स्विच को ओपन किया, मतलब इसमें इनपुट यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, तो बल्ब जलेगा नहीं? जलेगा। जलेगा क्या? नहीं जलेगा। अगर आपने किसी भी एक स्विच को बंद कर दिया, मतलब उसको बंद कर दिया, तो बल्ब जलेगा, और दोनों को बंद कर दिया तो भी बल्ब जलेगा। तो बेसिकली इस सर्किट का सिंपलर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। तो ऐसे करके आपके बहुत सारी चीज़ें बनती जाएंगी जिसमें आपको दिखाई देगा। अच्छा, अब एक और गेट होता है, देखें उसको। ये कौन सा गेट था? और गेट को कैसे याद रखें? और का मतलब प्लस, ये याद रखना है अपने को। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है क्या बड़ी बात? नहीं। तो अभी आपने कहा यार ये और गेट, तो ठीक है चलो। अब हम देखेंगे एक दूसरा गेट जिसका नाम है एंड गेट। एंड गेट, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल कुछ डी जैसा होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने डी को पकड़ के खींच दिया हो, ठीक है। हाँ, तो डी को ऐसे खींच दिया गया मतलब। तो ये जो है, ये इनपुट दे दिया आपने दो, और ये आपका आ गया आउटपुट। इनपुट आपने दे दिया एक ए और एक दे दिया बी। तो अभी एक इनपुट हो गया ए, एक इनपुट क्या हो गया? बी हो गया। और आउटपुट में आप एंड का किसे रिप्रेजेंट करते? क्रॉस से, ए इंटू बी से। तो ए इंटू बी से लिख लो। फिर जल्दी से ट्रुथ टेबल बनाओगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है। अब जरा बताओ भाई रिजल्ट क्या आने वाला है आपका? सब जीरो हो गए? अरे भाई साहब, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, और नीचे वाला ये भी जीरो, लास्ट वाला वन, कमाल हो गया ये तो। अब इसके लिए भी अगर आप चाहो तो कुछ सोच सकते हो। सोचने के लिए क्या है कि स्पेस मिलना चाहिए लोगों को। तो कैसे बना सकते हो? अगर मैं इसका जैसे मैंने पिछला बनाया था, इसके लिए कुछ सोच सकते हैं अपन। जो मैं बना रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। वो मतलब आप सोचोगे तो बना लोगे, और कई बार नहीं भी सोच पाओगे। हाँ, सीरीज में लगा दो। क्या बात कही तुमने यार, तुम यार एकदम सही सोच रहे हो। अभी अगर आपने दो स्विच मान लो ऐसे लगा दिए, और यहाँ पर आपने लगा दिया बल्ब, तो ये बल्ब कब जलेगा? जब दोनों बंद होंगे, है ना। मतलब जब दोनों, हाँ, जब दोनों को आप ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तब आपका बल्ब जलेगा, अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा। समझ गए हो बात को? तो ठीक है, ये हो गया एंड गेट। और कोई गेट सुना है आपने? नॉट गेट, नॉट, नॉर, नॉर, नॉर नहीं सुना हमने तो। पहले नॉट सुना था, इसके बाद नॉट, नहीं आ रहे, आ रहे नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होता है भैया? है जी, बार आ जाता है। कौन आ जाता है बार? अच्छा, ए बार सिंबल है उसका। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है शायद, ये है ना। अभी जैसे इसमें एक इनपुट का दूसरा आउटपुट निकलेगा, ए इनपुट दिया तो बी आउटपुट निकलेगा। इसमें क्या होता है, नॉट से पता लग रहा है कि अपोज करने वाला है ये, तो उल्टा करने वाला है, नाम से अंदाजा लग रहा है। तो अभी जैसे मान लो आपने कहा ये ए इनपुट है, और ये नॉट ए लिख दे रहा हूँ मैं इसको। इसको लोग बता रहे हैं कि भाई साहब ए बार से लिख देते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं ना, नहीं लिख दो। इसमें क्या है अपने को, क्या ए कोई इनपुट है और आउटपुट आपका ए बार मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसमें तो एक चीज़ इनपुट है, तो दो ही तरह के इनपुट आ सकते हैं, या तो जीरो आएगा या वन आएगा। तो वन को जीरो को क्या कर देगा? ये वन, और वन को क्या कर देगा? ये जीरो कर देगा इसमें। हाँ जी, उल्टा कर देता है ये, है ना। तो अभी जैसे इसको अगर सोचे तो इसका क्या कर सकते हैं हम? अभी देखो, जैसे मान लो आपने एक बैटरी लगाई, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब तो जलेगा मस्त एकदम। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। अभी ये स्विच खुला हुआ है तो बल्ब जलेगा, और स्विच को बंद कर दिया बल्ब बंद हो जाएगा। नहीं समझे? तो जब ये जीरो था तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा था? वन। और जैसे ही आपने इसको बंद किया तो यहाँ पर हो गया वन, और वहाँ हो गया जीरो। तो ये किसका दिख गया आपको? नॉट गेट का सिस्टम दिख गया। कोई मुश्किल बात है? नहीं है मुश्किल भैया, पक्की बात। अच्छा जी, तो आगे बढ़ा दें। अब क्या है कि इन तीनों, इन गेटों को मिला मिला के लोग एकदम पूरा मोहल्ले में गेट लगा देते हैं, है ना। तो अभी जैसे उन्होंने कहा भैया अभी हम जो है वो नंद गेट बनाएंगे। तो नंद गेट का क्या मतलब है? नॉर बनाओ पहले यार। हाँ, पहले नॉर। नॉर का मतलब है और प्लस नॉट, और उसके साथ फिर और नॉट, दो गेट मिल गए यहाँ पर। तो ये नॉर हो जाएगा,
हाँ, तो अभी जैसे आपने कहा इनपुट क्या था, ए था, फिर इनपुट क्या था, बी था, फिर आपने इसका और गेट बनाया तो आपको क्या मिला, ए प्लस बी मिला, फिर लेकिन आपने इस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है यार, इसका सिंबल भी तो था कोई, और का सिंबल तो याद है मेरे को, और का तो सिंबल नुकीला तो है यार ये पहले से, गोला बना दें ऐसे है, वो जो नॉट सिंबल का गोला था वो यहाँ लगा दिया था, ये वाला गोला। अच्छा तो ये अब नॉर हो गया। अच्छा, तो पहले और है और फिर नॉट है, और के बाद नॉट किया, तो ये पहले और था और अब इसको नॉट कर दिया। मुश्किल बात है कोई? ठीक है, तो अभी जरा ट्रुथ टेबल बना दो यार जरा, तो अभी ट्रुथ टेबल बनेंगी, जल्दी जल्दी बना के मुझे रिजल्ट भर के दिखाओ यार एक बार जरा। नहीं लिखूं? चलो मैं लिख रहा हूँ, बताओ। 00 01 10 10 01 11 10 00 00 00। अरे ये तो कमाल हो गया यार, तो इसमें कोई मुश्किल है? नहीं कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो कहाँ से हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अभी अगर आपने ए को 0 दिया और बी को 0 दिया तो आपको क्या मिलने वाला है, मतलब आप समझ गए कि इसमें कोई स्टेप में कर लेंगे इसमें क्या है। ऐसे ही अब आपका बनेगा कौन सा गेट भाई साहब, नंद गेट बनाते हैं। नंद गेट में क्या करेंगे? हाँ, नंद गेट का मतलब होता है एंड गेट और प्लस इसके बाद नॉट गेट। इसका सिंबल कैसा होता है, पहले नंद गेट का सिंबल बना लियो, हाँ, और फिर इसके आगे एक छुटको सा गोला लगा दो, ये गोला नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी यहाँ पर आपने एक इनपुट दे दिया, मान लो ए, एक इनपुट दे दिया आपने बी, और यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया कुछ, है ना, ये आउटपुट है। तो अभी इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे अपन जल्दी से, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एंड का मतलब होता है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का क्या करना है भैया जी, बार करना है। बड़ी अजीब सी बात, एक और बन, जल्दी से ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर दो। पहले 00 01 10 11 भरवाओ, 00 01 11 11। क्या बात है, तो आपने ये और फॉर नॉर फॉर सब निपटा दिए, ठीक है बढ़िया। ठीक है, अब देखो एक और गेट देखते हैं जिसका नाम है एक्सक्लूसिव और इसको हम लोग कहते हैं जोर गेट। ठीक है, क्या कहते हैं, जोर गेट। इसमें अगर आपने कोई इनपुट दिए ए एंड एक एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आता है ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, समझ गए, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, इसको क्या कहते हैं, जोर गेट। जोर गेट का सिंबल कैसा होगा भाई, सिंबल इसका होगा ऐसा, जोर और गेट जैसे सिंबल होता है, कैसा सिंबल होता है, और गेट जैसे ही सिंबल होता है बिल्कुल, और लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे ये है, ये तो और गेट का सिंबल हो गया, और इसमें यहाँ पर एक ऐसे लाइन और खींच देते हैं, तो ये कौन सा सिंबल बन जाएगा, जोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट होता है। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, तो अभी आपने कहा देखो एक तो हो गया ए, एक हो गया बी, ठीक है, फिर किसका बनाओगे, ए डॉट बी बार का बना लेना, और फिर बनाना ए बार डॉट बी का बना देना, और फिर इन दोनों को जोड़ के ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये आपका जोर का आउटपुट आने वाला है। तो 00 01 10 11 तेजी से भरना पड़ेगा इसको। अब ए डॉट बी बार है, जीरो इंटू वन इज जीरो,
जीरो इंटू जीरो इज जीरो इंटू जीरो 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 मल्टीप्लाई हुआ जीरो ही कर देगा ना उसको चाहे कुछ हो। हाँ वन इंटू वन इज वन, वन इंटू जीरो इज जीरो, ए डॉट बी बार बोलो, ए बार डॉट बी बोलो, तो वन हो गया ये, सॉरी ए बार करना है तो वन हो गया, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू वन जोड़ो जीरो वन वन जीरो। क्लियर है? कोई मुश्किल बात? ये कौन सा गेट है? ज़ोर गेट। क्या याद रहेगी? रिजल्ट याद रहेगा, ये वाला सिंबल याद रहेगा। कोई मुश्किल बात तो नहीं? दो ही चीज़ें याद रखनी, बाकी सब तुम बोले नहीं लिया तो आती है तुम्हें। ठीक है, ठीक है।